लक्ष्मी जी, सुना है कि शो से मिलने वाले पैसे आप चैरिटी ट्रस्ट में डोनेट करने वाली हैं? यस। क्या आपका शादीशुदा रणवीर के साथ अफेयर है? कल तो आपने कहा था कि अर्जुन के साथ है। सुना है आपने होठों की प्लास्टिक सर्जरी कराई है? नॉनसेंस। सुनिए, वेलकम मैडम। थैंक यू। अरे पौवा है क्या? अबे देसी, तू फाइव स्टार होटल में देसी मांग रहा? इतनी हसीन लड़की के सामने तू दारू की बात कर रहा है? ये बनी है दूध से और मैं बना हूँ कोयले से। आप रोज सपने में आती हो। पर आप लोग कौन है? क्या? मुझे तो यहाँ चैरिटी शो के लिए बुलाया गया था, पर पब्लिक तो यहाँ है ही नहीं, तो फिर मैं परफॉर्म किसके लिए करूँ? मेरे लिए। पब्लिक तुम्हारे सामने है जान, शुरू हो जाओ। What? दोस्तों से वादा किया था मैंने कि तुम बैचलर पार्टी में नाचोगी। ऐसे तो तुम आती नहीं, इसलिए इस इवेंट और चैरिटी का नाटक करना पड़ा। Whatever you see outside, totally fake. Hey, चल टू पीस पहन ले। और हाँ, ये बिकनी तुम्हें डांस करते करते पहननी है। चलो, डोंट वेस्ट टाइम एंड स्टार्ट। हे, पागल हो गए क्या? मुझे अनाथ बच्चों के लिए परफॉर्म। हम भी अनाथ ही हैं। माँ भाग गई, बाप इस खुशी में पागल हो गया। मैं क्या, मेरा बाप भी अनाथ था, उसका बाप भी अनाथ था। हमसे बड़ा अनाथ तो अनाथ आश्रम में भी नहीं है। अरे रोहित, तू पहनाएगा या मैं ही पहनाऊं? ठीक है, मैं ही पहनाता हूँ। अरे पागल, रुक जा। अरे रुक जा। लक्ष्मी, पहली बार इन्हें लाइव देखा। मैडम, मैंने आपकी पिकनी वाली एड देखी, आप उसमें बहुत सेक्सी लगती हैं। अच्छा मैडम, शूटिंग चल रही है, रेप सीन है? शूटिंग नहीं चल रही है, मुझसे कहा था चैरिटी शो है, पर ये लोग तो बदतमीजी कर रहे हैं। हेल्प मी प्लीज, आई एम इन ट्रबल। क्या लगता है ये तुझे बचाएंगे? ग्राउंड मेरा, पूरा एरिया मेरा, अगर पता चला ना कि मैं कौन हूँ तो ये खुद ब खुद बाउंड्री से बाहर चले जाएंगे। ओ मैडम, यहाँ का बॉल भी हमारा है, यहाँ का बैट भी हमारा है और यहाँ का अंपायर भी हमारा है। अब फील्डिंग करने दो, नहीं तो बोल्ड हो जाओगी। ए, कोयले की खान, छोरी की विकेट तो फोर्थ अंपायर बचाएगा, लेकिन तेरी विकेट कौन बचाएगा? ए, कौन बोला? तू बोला? तू बोला क्या? मैंने कुछ नहीं बोला। तो फिर तू बोला? मुझे कमेंट्री में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन हमारे दोस्त की कमेंट्री जबरदस्त है, सबकी बोलती बंद कर देता है। पवेलियन से आ रहा है वो, देखो। hey, कौन है बे तू? इंट्रोडक्शन तू या छक्के मारकर डेमो, दोनों धुआंधार देता हूँ। डेड बॉल को भी पीटता हूँ और बॉलर को भी डेड होने तक पीटता हूँ। भैया, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई भैया, आज की डेट में आप ही ज्यादा फॉर्म में हो भैया। ए दीदी, ए दीदी माफ कर दो दीदी, ए भैया दीदी माफ कर दी। ए सहभाग, ए गंभीर, ओपनर खिलाड़ियों प्लीज माफ कर दो मुझे। ए भैया, अब तो मैं अपनी क्रीज पर भी क्रिकेट नहीं खेलूंगा। अबे रणजी प्लेयर, बिना इंटरनेशनल मैच खेले हीरोइन नहीं पड़ती है, अब ऐसे बैट पकड़ के क्या स्टाइल मारे जा रहा है? तू क्या इसकी टीम का सचिन है और ये गांगुली और ये धोनी है? ए रोहित, इसी वक्त T20 खेलेंगे, जो जीता हीरोइन उसकी। डिफेंस करता हूँ तो आदमी बाउंड्री के बाहर चला जाता है, और कट करता हूँ तो आदमी सीधा ऊपर। Stop!
इसकी तो। अरे वो हर बॉल बाउंड्री के बाहर भेज रहा है, तू बीच में मत जा। देख लूंगा, पहले डॉक्टर को दिखा ले। थैंक यू वेरी मच। इट्स ओके, इसी बहाने मेरी बैटिंग प्रैक्टिस हो गई। वैसे आप अकेली यहाँ क्यों आई? यहाँ इतने गंदे लोग होंगे मुझे पता नहीं था। आपने मेरी मदद की इसलिए मैं आप लोगों के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती हूँ। ओके। हाँ बोल। रवि तेरे पापा को पुलिस ले गई। कौन से स्टेशन? चूहू पुलिस स्टेशन। अबे सालों, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? हाँ, हफ्ता वसूलने की, वो भी मेरे रहते। तुम जैसे गुंडों की वजह से हमें कोई हफ्ता नहीं देता। हफ्ता देने के लिए पार्टी का फोन आया है। मुझे भी सुनने दे, मेरा कमीशन क्या बोला? मुझे हफ्ता नहीं देगा तो मैं हफ्ता लेने के लिए बड़े मुंह वाले इंस्पेक्टर को भेज रहा हूँ। अपने लिए इतना बढ़िया फोन और मेरे लिए बाबा जी का ठुल्लू। अबे लाल सांड, पिछले हफ्ते तुझसे मैंने स्मार्टफोन मांगा था, लेकर आता हूँ। मेरी मर्जी कम हो जाए, बड़ी मानी के सर। सुनिए ना सर। कौन बोला? सर वो क्यों और किस लिए आया है? आपने मेरे बाप को अंदर किया है। बाप का नाम बोल। मोहन राव। नहीं, वो ठरकी दिखने में तो वो संस्कृत का टीचर लगता है पर निकला सेक्सोलॉजी का गुरु। टहनिया झुकी पर पेड़ अब भी खड़ा है। अगर कोई फुल टिकट गलती करता है तो बेल से समझाते हैं, लेकिन उसकी गलतियां तो लाइलाज है। ए, लेके इसके ठरकी बाप को। रूम कंफर्टेबल है ना? इतने शरीफ आदमी को कैसे अरेस्ट कर सकते हैं आप? ये संदेने का है कि ये शरीफ है? रोड रोमियो है ये, प्रेम चोपड़ा, गब्बर सिंह, मोगैम्बो के भी बाप है ये। हाँ, पर इनका जुर्म क्या है? चमड़ी गिरी। इन्होंने तो अपनी बीवी तो को हाथ नहीं लगाया। वाह वाह, हवलदारिन गुणवती, जरा फ्लैशबैक में जाकर इनको बताना कि इसके बाप ने क्या पाप किया है। यार गुड्डू, कोई सुंदर लड़की दिखे तो मुझे बताना। यार तुम लड़कियों को देखने के लिए मुझे सुबह सुबह जगा देते हो, जबकि मुझे लैपटॉप में लड़कियां देखते देखते सुबह हो जाती है, एक से एक हूर परियों जैसी। क्या बात कर रहा है? हाय, व्हाट्स अप? पेड़ है अंकल। अरे इस तरह से लड़कियों को छेड़ोगे तो सैंडल पड़ेंगी। सच्चा आशिक सैंडल खा कर अपनी मंजिल तक पहुँचता है। ये फूल मुझे देना। थैंक यू। फूल ले लिया मुझसे, अब अपना टेलीफोन नंबर तो दे दो। क्या? कोई बात नहीं, तो मेरा नंबर ले लो। ओके ओके, फेसबुक आईडी दे दो, हम वीडियो चैट करेंगे। क्यों बे, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? मेरे डैडी का नाम क्या है पता है? इंस्पेक्टर दया। इंस्पेक्टर दया? मोहन मैं बाथरूम जाकर आता हूँ। हेलो, इस एरिया में बहुत से इंस्पेक्टर आए लेकिन उल्टे पैर चले भी गए, लेकिन आज तक कोई मुझे टच भी नहीं कर सका। अरे मेरी बात तो सुनो, तुमसे कह रहा हूँ, इंस्पेक्टर की बेटी के पास मोबाइल नहीं होता क्या? फेसबुक पे अकाउंट नहीं होता क्या? उसका चैटिंग करने का दिल नहीं करता? बोलो, उसे प्यार करने का कोई अधिकार नहीं है? मैं बताता हूँ। कौन बे? अधिकारों का संविधान लिख के लाया हूँ। रोमियो, तुम उससे चैटिंग करना चाहते हो? पुलिस स्टेशन चलो, मैं तुम्हारी पाव रोटी इस तरह सुझाऊंगा कि बैठ नहीं पाओगे, उठ उठ के चैटिंग करोगे और बर्फ से सेकोगे। आप कौन है? रिश्ते में इसका माई बाबू। अबे तू क्या समझा था कि मेरी बेटी पे लाइन मार के तू उसे पटा के ले जाएगा बिना मेरे कुछ कहे? हाँ? ए, इसे डाल अंदर। चलो अंदर बैठो। सुबह सुबह हवा खाने निकले थे, अब हवा और लाभ दोनों खाना। आप फ्लैशबैक से रियलिटी में आ जाओ। इस उम्र में जब कन्या दान करना चाहिए, ये खुद कन्या ढूंढ रहे हैं। अरे सर, ये खुद के लिए नहीं कर रहे थे, पार्टनर ढूंढ रहे थे। पार्टनर? अरे ये क्या क्रिकेट की ओपनिंग करने जा रहे हैं जो इन्हें पार्टनर चाहिए? क्रिकेट का ओपनिंग पार्टनर नहीं अंकल, हमारे दोस्त के लिए लाइफ पार्टनर ढूंढ रहे हैं। लाइफ पार्टनर ही ढूंढना है ना तो ब्यूटी पार्लर में जाओ या गूगल पर सर्च करो। यार सरेआम लड़की चप्पल मार देती तो इनकी क्या इज्जत रह जाती? चप्पल तो मैं पहले भी खा चुका हूँ सर, मैंने इसके लिए बहुत सी लड़कियाँ देखी पर इसको कोई पसंद ही नहीं आती, इसलिए सड़क पे उतर आया सर। अब आप ही समझाइए ना सर। ठीक है, मैं समझाता हूँ। देखो बेटा, हर इंसान को एक वक्त के बाद शादी कर लेनी चाहिए, बहुत जरूरी है। इसे करकर मैं भी पछता रहा हूँ, इसलिए तुम भी जल्दी से शहीद हो जाओ। समझा दिया? ले जाओ। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, अब सुधरने का क्या लेंगे? जब तक तुम्हारी शादी नहीं करवा देता तब तक नहीं सुधरूंगा। या तो तुम पसंद कर लो या मैं पटाता। आपकी चॉइस से मेरी चॉइस अलग है तो क्या करूं? ओए ओए ओए,
जितने भी खूबसूरत लड़कियां हैं वो सारी मुंबई में चली आई हैं। तुझे क्या मूछ वाली लड़की चाहिए? नहीं अंकल, इसे तो मिस यूनिवर्स, मिस एशिया, मिस अर्थ, इस तरह की लड़की चाहिए। एक साथ इतनी लड़कियां? शादी लाइफ टाइम के लिए होती है, पहले प्यार होना चाहिए फिर शादी। टाइम तो लगेगा ना। तो ठीक है, प्यार करना है तो शादी के बाद करना। तुम लोग इसे समझा दो, जल्द से जल्द शादी कर ले। अगर आपको जल्दी है तो आप कर लो, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? मुझे कैसी लड़की चाहिए वो बता, नहीं तो वो हर लड़की के पीछे भागते रहेंगे। यार तू तो समझने की कोशिश कर, उसे देखे दिल के अरमान जागने चाहिए। बेटा शादी कर लो फिर अरमान जगाते रहना। उसे देखो तो मेरे बदन में बिजली दौड़नी चाहिए। चार दिन से बिजली को फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा। अरे तो चुप कर, यू कंटिन्यू बेटा, यू कंटिन्यू। उसे देखकर बॉडी वाइब्रेट हो, दिमाग की घंटी बज जाए, वो भी 3D इफेक्ट में। बज गई। वो इतनी स्लिम हो कि मैं बार बार उठाऊं। उठा ले। लगता है ये कुंवारा ही मरेगा। लेकिन ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? टेंशन मतलब दुनिया गोल है, कहीं ना कहीं तो मिली जाएगी। भाई को डिस्को में ले जाना पड़ेगा ताकि दिमाग ठंडा हो सके। बाप रे श्रुति, डांस करते करते थक गया, जिंदगी के दो घूंट पीते हैं। ओके। ओह गॉड, आज कितना एंजॉय किया ना अंकल। लाइफ में ना हो शोर तो आदमी होता है बोर। फल खाओ, चिंता छोड़ो। देखो 5-star का कूपन, डिनर फॉर टू। अंकल हमने जोश में होश खो के अपने नाम पर ड्रिंक्स तो मंगवा ली, पर अब इनका बिल कौन भरेगा? हमें लोकपाल बिल थोड़ी भरना है, फ्री में पीने का मजा ही और है। हेलो बॉस। मिल गया आज का मुर्गा। हेलो कौन, आप कौन सा बोल रहे हैं? हेलो, शाहरुख खान बोल रहा हूँ। क्या शाहरुख खान, क्या आप असली वाले हैं? असली वाले बोल रहे हैं? यस, सुपरस्टार किंग खान शाहरुख खान। खान साहब बोलिए ना। मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं सुन रहा हूँ सर। मेरी गर्लफ्रेंड तुम्हारे पब में है, मुझे पता है, उसके ग्रीन और रेड कपड़े देखकर तुम उसे तोता समझ रहे होंगे। मैडम तोता नहीं, मैं ना है, पर वो जिनके साथ आई थी वो बिल्कुल उल्लू जैसा है। hey, उनसे पैसे मत लेना, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा टिप समय। टिप नहीं चाहिए, मैं आपका फैन हूँ। आपकी जाने मन मेरी जाने मन है, फैन का भी हक बनता है। मेरे फैन हो तो उसके साथ है खूबसूरत नौजवान है, उससे भी पैसे मत लेना। इतनी टिप दूंगा कि आज के बाद तुम्हें होटल में काम करने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं भी होटल के मैनेजर को दिखा दूंगा, मैं कोई मामूली चीज नहीं हूँ। आपका फैन हूँ सर, कोई छोटी औकात थोड़ी मेरी। जल्दी से फोन रख, मेरा IPL का मैच शुरू हो रहा है। ठीक है खान साहब, आप फोन रखना चाहते हैं? हे वेटर, कितना वेट करवाएगा, बिल देना है? आपको बिल देने की कोई जरूरत नहीं, खान साहब ने फोन कर दिया है, बिल वही चुका देंगे। वो क्यों हमारा बिल देगा? पहले दिल देता है बाद में बिल भरता है। ये मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता? उस दिन मैंने उससे साइकिल मांगी तो उसने मुझे 50 लाख की गाड़ी गिफ्ट में दे दी। उसे इतना भी नहीं पता कि डीजल पेट्रोल कितना महंगा है। 50 लाख की गाड़ी? अरे सर, खान साहब के लिए 50 लाख क्या चीज है? 50 लाख की गाड़ी तो ठीक है, पर उसे लाने वाले ड्राइवर को 5 लाख टिप देने की क्या जरूरत थी? मैडम मैडम रुकिए, तो आप नाराज मत। अरे देखिए खान साहब आने वाले हैं। ये क्या हो रहा है? वो लड़की कौन थी? सर वो खान साहब की गर्लफ्रेंड है, अभी खान साहब आएंगे और पूरा बिल चुका देंगे। अरे कौन खान साहब? कौन खान साहब? अरे मैं उन्हीं खान साहब की बात कर रहा हूँ, मुल्कों की पुलिस जिन्हें तलाश रही है, जिन्हें पकड़ना मुश्किल ही नहीं कभी का नामुमकिन हो चुका है। और आप पूछ रहे हैं कौन खान साहब? कल शाहरुख खान साहब यहाँ आएंगे और आपका पैसा आपके मुंह पे। अबे गधे, शाहरुख खान यहाँ कैसे आएगा? वो तो करण जौहर के साथ लंदन में शूटिंग कर रहा है। लंदन में? उन दोनों को लेकर आओ।